गरीबों का पुकार करा हुआ बिहार सरकार को पड़ गया है मुश्किल में। यदि क्या है मुश्किल, मैं सारा जानकारी इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिए, जन जन के पास पहुंचा दीजिए और इस पेज को फॉलो भी कर लीजिए। जब से मनीष कश्यप का गिरफ्तारी हुआ है, जब से कोई नहीं उठा रहा है गरीबों का आवाज। आप लोग को सभी को जानते होंगे कि पत्रकार में शेर एक ही को था जिसका नाम था सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। आखिर मनीष कश्यप ऐसे इंटरव्यू और ऐसे गरीबों का मदद करना आज के डेट में कोई पत्रकार नहीं चाह रही है, क्योंकि बिहार सरकार लगातार पत्रकारों पर एफआईआर किया जा रहा है, पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि सच्चाई जो भी दिखाया जा रहा है, सरकार को बोला जा रहा है, उस पर भी हो जा रहा है एफआईआर। इसी के चलते कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लगातार गरीबों का पुकार कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप को रिहा करो, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन ऐसा होगा जो पहली बार सरकार देखा होगा। आखिर कौन से उग्र आंदोलन की बात किया जा रहा है? मनीष कश्यप का चाहने वाले, आखिर मनीष कश्यप को चाहने वाले तो छोड़ दीजिए, आखिर नहीं चाहने वाले वो भी मनीष कश्यप को कर रहे हैं पुकार। और बिहार सरकार को चेतावनी दिया जा रहा है और बिहार सरकार को इस तरह से बोला जा रहा है जो अभी हम सोशल मीडिया पर आप लोग को नहीं बोल सकते हैं। आखिर मनीष कश्यप कोई अच्छा कामों का सब नतीजा है। आप लोग को सभी को बता दे कि मनीष कश्यप को जेल, जब से जेल बिहार सरकार झूठा आरोप में पकड़ा है, उस दिन के बाद में कुछ लोग ऐसे थे जो मनीष कश्यप को जेल जाने से खुशियां मना रहे थे, लेकिन उन पर आफत पड़ा इस समय जब मनीष कश्यप को याद किया जा रहा है। आप लोग को बता दें कि अब कई दिन शराबों से जान रहा है बिहारियों लोगों को जान, जो बिहार सरकार लगातार बिहार सरकार और शराबी पर बंद किया जा रहा है, शराब पर बंदी किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार शराब पर बंदी किया है उसी तरह से खुलेआम दारू मिल रहा है लोगों को, जहरीली शराब पिए के कारण कितना लोगों को जान जा रहा है। लेकिन मनीष कश्यप को याद किया जा रहा है, कि बोला जा रहा है कि यदि हमारे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप रहते तो इस पर आवाज उठाते और सरकार से पूछते, क्योंकि सरकार से एक ही को भिड़ने वाले हैं जिसका बोलते हैं फौजी का बेटा, जिसका सन ऑफ बिहार कहा जाता है। आखिर विरोधी लोग भी अब तालियां मार रहे हैं और मनीष कश्यप को रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं। आखिर वो लोग विरोधी जो लगातार मनीष कश्यप को चड्डी पत्रकार करते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भड़ुआ चार कलाकार के साथ में जिस तरह से कलाकारी को करते हैं उसी तरह से विरोध करते हैं और यूट्यूब चैनल खोलकर मनीष कश्यप को भला बुरा करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मनीष कश्यप का समर्थक एक नहीं अब करोड़ों में लोग हैं। लेकिन एक भाई साहब का मैसेज आता है, बोलता है भैया करोड़ों नहीं अरबों में बताइए, क्योंकि मनीष कश्यप एक गरीबों का मसीहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अच्छा काम करते थे, गरीबों का आंसू पोंछते थे, तो क्या हम लोग उनके सपोर्ट नहीं करेंगे? तो आज हमारा धिक्कार है। तो धिक्कार भाई साहब ने हमें कमेंट किया, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग की बिहार सरकार बनने वाले हैं पूरी तरह से मुख्यमंत्री, जिस तरह प्रधानमंत्री अब बनने के लिए सपना ही देख सकते हैं। आप लोग को सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री का जिसको बनने का सपना है, प्रधानमंत्री जिसको बनने का सपना है, वो ऐसा नहीं हो कि सपना ही रह जाए, क्योंकि बिहार के लोग अब धीरे धीरे गर्म सीट हो गया है, इस तरह से आग बबला हो गया है जो आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं। समर्थक इस तरह से बौछार मराए हुए हैं और सोशल मीडिया भी आज भी ट्रा मार रहा है और कहा जा रहा है कि कौन बंदा के बिहार के कानून पकड़ कर रख दिया है, जो सोशल मीडिया पर भी अभी तक ट्रेंड चल रहा है। आप लोग को सभी को बता दें कि मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं अच्छे कामों का समर्थक है और अच्छे कामों को, लेकिन समर्थक जिस तरह से दिखाया जा रहा है, कुछ लोग बोला जा रहा है कि समर्थक खाली सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, लेकिन रियल जिंदगी में कोई भी समर्थक नहीं दिखाए। लेकिन उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक मनीष कश्यप का चाहने वाले ने टावर पर चहक कर उनको मनीष कश्यप को जिंदाबाद का नारा लगाया गया और रिहाई के लिए मांग किया गया, आप लोग को सभी को पता होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब दूसरों की माँ के आंसू पोंछने वाले एक बंदा, एक बिहार का नागरिक, एक बिहार का शेर, अगर राज्य में कैसे ही भेज देता है हमारा बिहार सरकार। हमारे बिहार सरकार समझती है कि बिहारी बुर्बक होता है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि आज के डेट में बिहारी सबसे नंबर वन पर होता है। यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर जमा के लड़ाई लड़ने वाले एक सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप ही थे। आखिर मनीष कश्यप ऐसा दरिया दिल और मनीष कश्यप ऐसा जगरी दिल वाले अभी तक कोई पत्रकार नहीं है जो लगातार मनीष कश्यप को कहा जा रहा था कि यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था, यूट्यूब वाले चैनल वाले हैं, पत्रकार नहीं है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप नंबर वन पर पत्रकार गिनती करते हैं, क्योंकि पहला ऐसा सफलता वाले हैं जो सबसे ज्यादा फॉलोवर लेकर उनको समर्थक दिया जाता था। आप लोग को सभी बता दें कि मनीष कश्यप का ऐसी कोई सा वीडियो नहीं है जिसमें ट्रेंडिंग नहीं जाता हो और लाख क्या एक घंटे में लाख चला जाता था उनको व्यू। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ आर्मी जवान को जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा उनको मारा जाता है, जो उनको जेल में बंद कर दिया जाता
जाता है तो पहले ही मनीष कश्यप धरना पर बैठते हैं और कहते हैं कि उस धरना के बैठना जरूरी है क्योंकि उसको जब तक रिहाई नहीं किया जाएगा जब तक हम लोग बैठ के धरना ही पर रहेंगे। आप लोग को सभी को बता दें कि उस समय में एक कोल्ड ड्रिंक भी पिलाया जा रहा था लेकिन मनीष कश्यप ने सीधे गुस्साया और कहा कि मैं एक खिलवाड़ी थोड़ू है, एक हमारे फौजी का बेटा का बंद किया गया है, एक फौजी का बंद किया गया है, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। जो फौजी हमारे देश को रक्षा करते हैं, हमारे भारत को रक्षा करते हैं, उसको मैं कानून के हवाले नहीं देख सकता क्योंकि गलतियां उसको नहीं था, कुछ नेताओं के वजह से उनको अंदर कर दिया जाता है। लेकिन आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जीने का हक है, यदि बिहार में रहना है, बिहार में यदि जीना है, बिहार में शांत से रहना है तो मनीष कश्यप को सपोर्ट करना पड़ेगा। हम आप लोग को सभी को बता दें कि आज का नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, मनीष कश्यप किसी से डरने वाले नहीं। जहां सवाल होता था वहां कड़वा पूछने वाले सन ऑफ बिहारे होते थे। आप लोग को सभी को पता होगा कि आज 75 को न्यूज चैनल बनाया जा रहा है, 75 को न्यूज चैनल दिखाया जा रहा है, वो सब मनीष कश्यप ही देन है क्योंकि मनीष कश्यप ही सिखाया है कि किस तरह से अपना हक को छीनना चाहिए, किस तरह से अपना हक को सरकार से बताना चाहिए। ये सन ऑफ बिहारे मनीष कश्यप ने बताया है। आज लोग उनको विरोध कर रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं है कि जो विरोध करता है वो भी आगे ही बढ़ता है। आप लोग सभी को पता होगा कि जब बिहार सरकार सोचे होगा कि मनीष कश्यप को गिरफ्तारी करवा कर और झूठा आरोप लगा कर हम बाहबाई बटोर लेंगे, लेकिन बिहार सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है क्योंकि बिहार की जनता नहीं, अब पूरी हिंदुस्तान की जनता आग बबला हो रहा है कि उन्हें बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है हमारे बिहार सरकार। आप लोग को सभी को पता होगा कि लगातार बिहारियों बिहार सरकार पर निशाना बनाया जा रहा है, साथ साथ हमारे बिहार को भी बदनाम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे बिहार सरकार ही दोषी होता है। आप लोग को सभी को बता दें कि आज आखिर में लोग कहते हैं कि बिहार के लेकर बाकी अदर स्टेट को गाली देने वाले मनीष कश्यप, तो हमें पूछना चाहता हूं कि यदि मनीष कश्यप अदर स्टेट को गाली देते तो क्या आज के डेट में मनीष कश्यप का सपोर्ट करने वाले इंडिया में नहीं होते। आप लोग को सभी को पता होगा कि ट्विटर पर नंबर वन पर ट्रेंड करने वाले सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, कोई दिल्ली से है तो कोई गुजरात से है तो कोई बम्बे से है, कोलकाता से है, कोई यूपी से है, कोई झारखंड का है, हर स्टेट से मनीष कश्यप का आई सपोर्ट हो रहा है। नहीं है विश्वास है साहब, मेरे कमेंट में आप डाल जाइए, मेरे को कम से कम 200 वीडियो बनाया हूं मनीष कश्यप का समर्थक में, आप लोग उस वीडियो को देखकर साबित कर सकते हैं क्योंकि उस वीडियो को 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन भी, 5-5 मिलियन भी गया है। उसमें कमेंट यही आ रहा है कि रिहाई करो बिहार सरकार मुर्दाबाद। आखिर बिहार सरकार को क्यों नहीं सुनाई दे रहा है, आखिर बिहार सरकार अपना कमियां छुपाने के लिए मनीष कश्यप पर झूठा आरोप लगाया जाता है। देखिए मनीष कश्यप को कितना अत्याचार होता है, पहले तो उसको गिरफ्तारी के लिए मांग किया जाता है लेकिन बिहार पुलिस नहीं पकड़ पाती है मनीष कश्यप को, तो कहा जाता है कि भगोड़ा है, ऐसा नहीं है, पत्रकार है, बोलता है गरीबों का मसीहा है, लेकिन खुद के गिरफ्तारी करवाते हैं मनीष कश्यप तब भी उनके घर पर किस तरह से कुर्ती जब्ती कर दिया जाता है, उनको घर को तहस नहस कर दिया जाता है। आप लोग सभी को जानते हैं क्या गरीबों का आवाज उठाना इतना बड़ा जुल्म होता है, तो साहब ये तो बिहार सरकार का नकम्मी हो गई, बिहार सरकार पूरी तरह से बर्बाद होने चुकी है क्योंकि बिहार सरकार अपना आपको तानाशाही दिखा रही। यदि हम आप लोग को सभी को बता दें तब भी उनकी कुर्ती जब्ती हो गया, इनसे पेट नहीं भरा गया तो कम से कम 75 से लेकर 100 को केस उन पर ला दिया गया, झूठा ही केस ला दिया गया, सब झूठा आरोप लगाया जाया। मनीष कश्यप ऐसे कर रहा था, मनीष कश्यप किसी का धमकी दे रहा था कभी, तो मैं पूछना चाहता हूं साहब कि किसको लिए धमकी दे रहा था, विधायक का दे रहा था, मंत्री का दे रहा था, मुखिया का दे रहा था, सरपंच का दे रहा था, कहीं ना कहीं गरीबों का हक जो खाता है उसको धमकी दे रहा था। ऐसा नहीं कि गरीबों का धमकी देता था क्योंकि गरीबों का हमेशा आवाज उठाने वाला बंदा वो देशद्रोही नहीं हो सकता। यदि आप लोग को बताना चाहते हैं कि केस से पेट नहीं भरा तो तमिलनाडु भेज दिया गया, रिमांड पर रिमांड लिया गया, आप लोगों को सभी को पता होगा इतना पूछताछ किया गया जो आजकल बलात्कारी लोग, रेपिस्ट लोग, गुंडागर्दी लोग जो बम ब्लास्ट करता है पाकिस्तान को, जितना आतंकवादी आता है उससे भी इतना पूछताछ नहीं होता है जितना पूछताछ मनीष कश्यप से हुआ था। लेकिन इससे भी पेट नहीं भरा तो तमिलनाडु में भेज दिया गया, उन पर NSA लगा दिया गया क्योंकि उन पर कोई सबूत नहीं आ रहा था बिहार सरकार को कि ज्यादा दिन मनीष कश्यप को रख सकते हैं। आखिर मनीष कश्यप को ज्यादा दिन क्यों रखा जा रहा के लिए सपना देख रहे थे बिहार सरकार। मैं बताना चाहता हूं कि 180 दिन में सरकार गिराने वाले मनीष कश्यप सन और बिहार को अंदर रखने के लिए इतना प्लान माना गया, आप लोगों को सभी को पता होगा। लेकिन मनीष कश्यप के बारे में उनको पता नहीं था, मनीष कश्यप का समर्थक के बारे में उनको पता नहीं था बिहार सरकार को कि लोग इतना रोड पर भी उतर जाएंगे और सोशल मीडिया पर धमाल मचाएंगे। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर इस तरह से बौखला चुके हैं मनीष कश्यप का समर्थक कि लगातार वीडियो को शेयर किया जा रहा है, लगातार चर्चे में लाया जा रहा है। देखिए अभी मुद्दा बहुत सा ऐसे गंभीर मुद्दा आया हुआ है सोशल मीडिया पर लेकिन मनीष कश्यप का नंबर वन पर अभी भी मुद्दा चल रहा है। आखिर मनीष कश्यप का गिरफ्तारी को लेकर इतना बड़ा मांग करने वाला
वाले हमारे बिहार सरकार किस तरह से बुरी तरह से फंस रही है। आने वाले चुनाव में आप लोग सभी को जानते होंगे कि बिहार सरकार जीतने वाली है कि हारने वाली है। आप लोग कमेंट करके राय हमें जरूर दें। मैं ये बता दे रहे हैं आपको कि बिहार सरकार पूरी तरह से बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि बिहार सरकार बहुत बड़ा गलतियां कर दी हैं मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार को गिरफ्तारी को कर कम से कम उससे भी ज्यादा उन पर एनएसए लगाकर बहुत बड़ा गलतियां कर देते हैं। हम पूछना चाहते हैं साहब, जो देश का रग रग में उनकी खून में हो, जो देश के लिए जान देने वाले, वो कैसे देशद्रोही हो सकते हैं? कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को लेकर बहुत बड़ा ऐलान आ चुका है, जो ऐलान में कहा जा रहा है कि बिहार सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है और बिहार सरकार इस तरह से बुरी तरह से फंसा है जो आप लोग अंदाजा नहीं होगा। लेकिन पहले ही कह दिया गया था बिहार सरकार को कि मनीष कश्यप को गिरफ्तारी करना, करोड़ों वोट उनको गंवाना। आप लोगों को सभी को पता होगा कि मनीष कश्यप ऐसा पहला पत्रकार है, आप कलाकारों के लिए देखे होंगे जातिवाद करना, कलाकारों के लिए देखे होंगे फैनगिरी करवाना, लेकिन मनीष कश्यप का, चाहे आप खेसारी लाल यादव का फैन है, चाहे पवन सिंह का फैन है, चाहे किसी कलाकार भोजपुरी का फैन है, चाहे हिंदी शॉर्ट किससे का फैन है, आज मनीष कश्यप का सारा फैन मिलकर एकता दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया पर गर्दा मचा रहे हैं। आप लोग से भी उम्मीद होगा इस वीडियो को दबाकर शेयर करते रहिएगा और जन जन के पास पहुंचाते रहिएगा, और ये बिहार सरकार के पास वीडियो पहुंच जाना चाहिए। और बिहार सरकार से एक हमारा सवाल है साहब, देश का रक्षा करते करते अपने कुछ काया गया, काहे चला गया? जो रग रग में उसकी देश का जुनून हो, वो कैसे देशद्रोही हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ, उस सिस्टम से पूछना चाहता हूँ जो लगातार उन पर एनएसए लगाया गया। जब सोनू सूद उनको ट्वीट किए गए तो सोनू सूद का भी पीछा लग गया और कहने लगा क्या कि अब आजकल सभी को मसीहा बनना चाहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सोनू सूद जो ट्वीट किए थे, क्या उसमें आपको गलत लगा, क्या सही लगा? उस बंदे ने बोला कि जितना मैं जानता हूँ मनीष कश्यप के बारे में, उतना तो देश का रक्षा करता है और बिहारियों को हमेशा गरीबों का आवाज़ बनने का कार्यक्रम करता है, हमने तो देशद्रोही का इंजाम तो लगाया है, ये तो गलत है साहब। कौन सा मनीष कश्यप के साथ में ट्वीट करने में सोनू सूद गलत हो गया? मैं पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से अंजाम लगाया जाए, जब सोनू सूद किसी का गोड़ लगाता है, किसी का पैर लगाता है, जब गरीब लोगों को मदद करता है, उस समय काहे नहीं मदद करता है कोई, काहे नहीं बिहार सरकार उसको मदद करता है? क्या बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है? क्या सोनू सूद मंत्री है, विधायक है? मनीष कश्यप क्या है, मंत्री है, विधायक है? क्या है सोनू सूद और मनीष कश्यप जो गरीबों का हमेशा मदद करता है? कितना पैसा है, अपना मेहनत कर पैसा कमा कर लोगों में, गरीब में लोगों में बांटता है, तो एक क्या गुनाह है साहब? मैं पूछना चाहता हूँ उस सिस्टम से, उस जमानों को जो जमाना उनको गलत ठहराने में लगा हुआ है, तो धिक्कार है ऐसे ऐसे लोगों पर जो मनीष कश्यप के लगातार विरोध कर रहे हैं। साहब हम देखे हैं, सोशल मीडिया देखे हैं, हर जमा देख रहे हैं कि मनीष कश्यप को आई सपोर्ट, मनीष कश्यप आई सपोर्ट गर्दा मचा दिए हैं। साहब एक बार सोशल मीडिया आप देखिए साहब, एक ग्राउंड रिपोर्टिंग जाके देखिए, हर गरीबों से पूछिए जहां मनीष कश्यप और सोनू सूद मदद किया है, क्या उस गरीबों पर कितना बीत रहा है, पुकार रहा है, हर कोई गरीब पुकार रहा है कि मनीष कश्यप को रिहा करो। सोचिए साहब कि आप कितना दिल पर राज करने वालों को इस तरह से फंसाए हैं, उस दिल को कितना चोट लगा होगा। साहब एक बार देखिए, हमारे बिहार सरकार पूरी तरह से फंस चुके हैं, मैं 100% कह रहा हूं, और बहुत भाई हमारे कमेंट कर बताते हैं कि बहुत कस के चिल्लाता है भाई, और बहुत बोलता है और लगातार मनीष कश्यप का सपोर्ट करता है, लगातार उसकी समर्थक में वीडियो लाता है। तो मैं लाऊंगा साहब, एक नहीं हजार वीडियो लाऊंगा, और उनकी समर्थक में क्या कहेंगे साहब, उनकी समर्थक भी इस तरह से बौखलाए हुए हैं सोशल मीडिया पर, आप एक बार हमारे कमेंट जाकर देख लीजिए।